सबका एक सवाल आएगा, जैसे ओला स्कूटर आए हैं, हाँ उनमें बहुत आग लगने के केसेस आए हैं, तो क्या इनका भी ये सीन है आग? तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 7 मई, यानी कि सैटरडे, वीकेंड है आज। तो मतलब हमारा आधे ज़्यादा वीकेंड तो बाहर ही निकल गया, क्योंकि आज हम आपका बाज़ार गए थे जो सदर बाज़ार के वहाँ पे है, और फिर हम दुकान का कुछ सामान लेने गए थे, तो ऐसे ही दिन निकल गया था। फिर हम गए थे यहाँ पे, इस घर गए थे, तो सोच लेना क्या होने वाला है, और प्रे करो कि हो जाए, मेरे लिए भी अच्छा है और फिर मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को और भी दिखा पाऊँगा। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ प्रथम वशिष्ठ एंड यू आर वॉचिंग प्रथम वशिष्ठ व्लॉग्स। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटर का रिव्यू, जो कि था बहुत दिनों से पेंडिंग। मतलब ये मान लो वेडनेसडे थर्सडे से मैंने उनको बोला था, वो कह रहे थे अभी माल आएगा, तो उनका मतलब सामान आना था बेसिकली, तो उनका सामान अब आ चुका है। तो अभी मतलब 6:05 हो रहे हैं, मैं 7 बजे सीधा हूँ क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। फिर अंधेरा होने के बाद क्या है कि मैं आपको लाइट वाइट में उनका सब कुछ दिखा सकता हूँ ना, कि गाड़ी की लाइट की क्या वो है, और ट्रैफिक भी हो जाएगा उस टाइम पे, तो ट्रैफिक में कैसा परफॉर्म करती है, पूरा राइड रिव्यू शेयर करेंगे, उसकी डिटेल शेयर करेंगे और सब कुछ शेयर करेंगे, सब कुछ पूछेंगे, भाई से भाई का नाम भी पूछेंगे, मैंने नाम भी पूछा है। तो चलो शुरुआत करते हैं लेके भगवान का नाम। वैसे अभी शाम हो रही है लेकिन शुरुआत ही हो रही है हमारे ब्लॉग की। तो सभी आज मंदिर देख लो फिर से, बोल के जय श्री राम, जय बजरंगली महाराज की, जय शनिदेव महाराज की, क्योंकि आज सैटरडे है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता सैटरडे हो चाहे कुछ भी हो, जय शनिदेव महाराज, जय सभी भगवानों की। तो चलो अब मिलते हैं शोरूम पे। तो भाई चेंज इन प्लान, अभी वीडियो बनाने जा रहे हैं क्योंकि फिर देव के बोर्ड के पेपर है तो वो पढ़ेगा उसके बाद, तो हम अभी अभी जा रहे हैं वीडियो बनाने, फिर वो पढ़ लेगा। तो चलो अब सीधा मिलते हैं शोरूम पे। ओके, working hard every day, living dreams for a pay stub, yeah, straight up. 5 years later, like I said, I would make it on my way up. It's all up, coming from the nation, made a foundation. Okay, okay. देखने के लिए अंकल नमस्ते भाई, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन शोरूम खोलने के लिए, इलेक्ट्रिक शोरूम खोलने के लिए। पहले तो क्या सोच समझ के थे आप? इस एरिया में सुविधा नहीं है इस तरह की, और आजकल इसकी मार्केट में अच्छी डिमांड है, तो ये सोचते हुए कि माता लोग इस एरिया में थोड़ा फैसिलिटी मिलेगी, तो पूरी रिसर्च वगैरह करके यहाँ पर भी मिले। चलो बढ़िया, always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow till I finally prove it. तो भाई शोरूम में आ चुके हैं, शोरूम का सब कुछ कर लिया है, तो अब आपको दिखाते हैं हम राइड रिव्यू, देखते हैं कौन सी वाली चलाते हैं, जो उनसे बेस्ट होगी वही चलाएंगे और उसका सब कुछ बताएंगे, बाकी भी जो यहाँ पे अवेलेबल है उनका भी बताएंगे कि वो कैसी हैं कैसी नहीं है, सब कुछ बताएंगे, प्रोज भी बताएंगे, कौन सी बनाएंगे, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सब चीज़ बताएंगे, अपनी पब्लिक पूरी अवेयर रहे कि क्या है क्या नहीं है। चलो तो राइड रिव्यू। Always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow till I finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving, keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message start to spread. फिलहाल इस मॉडल की हम राइड रिव्यू करेंगे, जिसकी चाबी है कुछ ऐसी, मॉडल का नाम है मून जैसा कि यहाँ पे लिखा है। तो चाबी में 3 फीचर दे रखे हैं, एक तो ये लॉक है, अभी ये अनलॉक हो गई और इस बटन से स्टार्ट हो जाएगी जो अभी करके दिखाएंगे। बाकी ये लॉक बटन दबाने से इसका अलार्म भी एक्टिवेट हो जाता है एंटी थेफ्ट। अब जैसे हिमांशु छेड़ करेगा इसके साथ, छेड़ करिए भाई इसको,
तो ये देखो ये इंडिकेट करने लग गई, हिला, हाँ ये पूरी इंडिकेट करने लग गई। अब इसको बंद करने के लिए इससे ये बंद हो गई। तो ये बहुत अच्छा फीचर लगा मेरे को इसका, जो की वाला है कि कीलेस स्टार्ट भी हो जाएगी, आपको की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अब इसका राइड रिव्यू देते हैं। चलो अभी इसका कीलेस स्टार्ट करने वाला ऑप्शन दिखाते हैं। देखो ये स्टार्ट होगी इस वक्त, बहुत सही है। और बंद करनी हो तो बंद हो गई, वाह। तो ये इसकी डिग्गी खुल गई। ये इसका चार्जर है भैया, और ये एलसीडी ऑन ऑफ करने के लिए, यहीं से ट्रैक कट ऑफ हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा, पावर डायरेक्टली अगर फायर वगैरह कैच करते हैं तो ये पावर नहीं, अगर आपको बंद करनी हो ना स्कूटी से, और कोई भी अगर छेड़खानी ना कर पाए, अच्छा, आप यहीं से इसकी एमसीबी ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, सबका एक सवाल आएगा, जैसे ओला स्कूटर आए हैं उनमें बहुत आग लगने के केसेस आए हैं, तो क्या इनका भी ये सीन है आग लगने वाला? इसमें लेड एसिड बैटरीज है, इसमें आप कोई भी फायर कैच नहीं करती। बैटरी जब भी होती है तो अगर ज्यादा ओवर चार्ज हो रहा है इनकेस तो स्वेल हो जाती है बैटरीज, आग कभी नहीं लगती, वो लिथियम आयन बैटरी है जिसमें आग लगती है। ठीक है भैया, इन्फॉर्मेशन के लिए। ऐसे इसका कुछ डैशबोर्ड है, ये डिपर के लिए, ये इंडिकेटर के लिए, ये हॉर्न के लिए, ये लाइट के लिए, ये सेल्फ के लिए, और ये गियर का सिस्टम है, ये चलाते वक्त समझाऊंगा, और ये रिवर्स ब्रेक है। तो भाई एक इसका जो सबसे बढ़िया फीचर जो मेरे को लगा, अक्सर क्या होता है एक्टिवा वगैरह में फुटरेस्ट साइड में दिए होते हैं, जिसकी वजह से ना वो बाहर निकल के कई बार टूट टूट जाते हैं। इसमें इनबिल्ट है, ये देखो यहाँ पे पैर रख के दिखा दे भाई, तो ये ऐसे ही कम्फर्टेबल भी काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अब राइड रिव्यू देते हैं। चलो साइड का ये अभी पहले गियर पे, इसका मैं आपको पिकअप दिखाता हूँ कैसा पिकअप है पहले। जैसा भैया ने बोला था 28 की स्पीड पे चली जाती है, 27 पे चल रही है अभी तो फर्स्ट गियर पे, 28 पे हो गया, लॉक हो गया फर्स्ट गियर पे। अब आते वक्त हम आपको सेकंड गियर दिखाएंगे। तो भाई अभी थोड़ा इसको ऑफ रोड भी चला के देख रहे हैं, देखते हैं कैसी खड़खड़ खड़ बोलती है, कुछ नहीं बोलती, क्योंकि एक्टिव वगैरह जो पुरानी हो जाती है वो बोलने लगती है, इसका पता नहीं। आगे देखते हैं, वाइब्रेशन तो नहीं है, हैंडल में बिल्कुल भी नॉर्मल चल रहा है, बाकी कुछ भी आवाज़ नहीं है भाई, सुन के देखो बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत। अब ब्रेकिंग क्वालिटी भी टेस्ट करेंगे इसकी, ठीक है। अभी 28 पे आई है, हाँ रुक गई, बहुत अच्छी ब्रेकिंग है भाई। हैंडलिंग तो बहुत स्मूथ है इसकी, और जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी ना वो है यहाँ का स्पेस, मतलब इतना स्पेस है, अगर जो लोग बच्चे खड़े करके चलाते हैं ना आराम से दो बालक खड़े हो जाएंगे, और सामान वामान अच्छा आ जाएगा, तो ठीक है। चलो भाई अभी पहला गियर लगा हुआ है, ये लग गया दूसरा गियर, अब इसका देखते हैं कैसे परफॉर्मेंस बढ़िया है। ये पिकअप तो इम्प्रूव हुआ है थोड़ा, देखते हैं कि कंपनी जितना क्लेम करती है उतनी स्पीड जाती नहीं जाती भाई। खाली रोड पे कर रहे हैं, रोड भी दिखा दे, कहीं लोग सोचे कि स्ट्रीट रेसिंग कर रहे हैं, ये है वो है, मतलब अच्छा ओपन रोड है। 40 कम वो करा है, देखते 40 जाता है नहीं जाता। थर्ड गियर में 47-48 का ही थे कुछ, तो चलो सेकंड। भाई अब रिवर्स गियर चेक करते हैं, पहले बता दो रिवर्स गियर कैसे लगता है। ये आ रहा है, इसको दबा के रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो इसको दबा के मैं रेस दूंगा, ये पीछे जा रही है, पैर ऊपर है, पैर ऊपर कैसे दूंगा, ये देखो ये एक पैर है, ये पैर ऊपर है, रिवर्स लगाया बस। अभी सेकंड गियर पे, अब ये लगा दी, थर्ड गियर का अब इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। तो चलो खाली हो गया रोड, हाँ देखो आपने देखा वो पहले जैसे ये भक्ति है, पिछली वाले में इसने 13 दिखाया था, अब इसने 16 दिखाया है, देखते हैं 45-47 बोला था ना, 3rd gear ka attempt number 2, ye abhi first pe, second pe, third pe, ab dekhte hain kahan tak jaati hai। Are bacche sunne nahi dekh rahe, तो पता नहीं क्या है, रोड के साइड में देख के चलते हैं, जान पूछ के गाड़ियों में पीछे पिकअप तो है बट बहुत अच्छा।
want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. लो लाइट ऑन है, सामने गाड़ी पे ही दिखा सकता हूँ, ऐसे तो क्या ही दिखाऊंगा। ये है, ये लो बीम पे, ये हाई बीम पे, ठीक है। अब इसे पास मांग के चलते हैं। तो भाई इंक्लाइन पे करेंगे अभी पहले गियर पे, तो देखते हैं चढ़ती कितनी मुश्किल से। ना नहीं चढ़ी, थोड़ा पीछे से लेते हैं। अब लेते हैं थोड़ा सा दबी, बाकी तो ठीक है। मतलब पहले गियर पे थी, दूसरे तीसरे पे लोगे तो आराम से चढ़ जाएगी। इतना कोई मतलब अब मतलब इतना इंक्लाइन नहीं था, इतने इंक्लाइन का कहाँ से ही लाऊंगा इंक्लाइन। इतने इंक्लाइन पे ठीक थी, अच्छी थी। Everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do. And भाई जो उनके फीचर्स थे वो मैं बताना भूल गया था, जो मैंने राइड करा था उनके मैं फीचर्स बता देता हूँ आपको। जो की फीचर्स हैं, जैसे कि उनमें अलॉय व्हील आते हैं सब में, और LED हेडलाइट आती है, LED डिस्प्ले आता है, और की से स्टार्ट होती है, टेलीस्कोप सस्पेंशन है, ये मुझे नहीं पता ये क्या होता है। और सब में मतलब आपको स्पीड गियर्स मिलेंगे, रिमो और रिवर्स गियर मिलेगा, प्लस बढ़िया स्कूटर और क्या चाहिए। और जो टेक्निकल फीचर्स होंगे वो मैं इधर डाल दूंगा, इधर मैं फ़ोटो डाल दूंगा, उसमें आपको सारे फीचर्स दे देंगे, पॉज करके देख लेना। मेन बता देता हूँ, जैसे चार्जिंग टाइम है 4 to 6 आवर्स, और मैक्सिमम स्पीड वगैरह वो सब डिपेंड करती है, और माइलेज 50 to 80 किलोमीटर्स देती है, बस यही सब है। और बाकी सारे यहाँ लिखे होंगे वो सब देख लेना। लेड एसिड वाला बता दिया था, बैटरी लेड एसिड की होती है जिसमें मतलब आग लगने का डर नहीं होता। तो चलो अब ओके। तो जो भाई मेरा राइड रिव्यू था वो मैं देना भूल गया था, क्योंकि अर्जेंटली मुझे कहीं जाना पड़ा था, तो अब मैं ये राइड रिव्यू दे रहा हूँ। तो राइड रिव्यू था बहुत ही बढ़िया, राइड रिव्यू था, हैंडलिंग बहुत स्मूथ थी, और मतलब बिल्कुल भी शोर नहीं था, ना हैंडल में वाइब्रेशन थी ना कुछ थी। मतलब कंपनी जितना क्लेम करती है उतना स्पीड जा रही थी। सेकंड गियर पे वो 37 to 38 और थर्ड गियर पे 45 to 46 जानी चाहिए थी, उस हिसाब से जा रही थी। बल्कि मेरे को तो लग रहा था वो उससे तेज जा रही थी, मीटर में जो शोर था उससे ज़्यादा ही तेज़ जा रही थी। और बाकी बहुत अच्छी राइड थी उसकी, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, सोचना कोई पेड प्रमोशन है। मैं इसने इसलिए रिव्यू करा क्योंकि इलेक्ट्रिक जो है अब हमारे ख्याल से हमारा फ्यूचर यही है, तो इस वजह से मैंने रिव्यू करा था। बाकी अब तक आपने यहाँ पर वीडियो देखी है तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर द वीडियो, और एक बढ़िया सा कमेंट भी गिर देना कमेंट सेक्शन में। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हिंद।